क्या कहना चाहेंगे काया जी? फूल बबलू का आज फर्स्ट बुक आपने लॉन्च किया है, तो कितनी उत्साहित हैं वो इसके बारे में बताइए। सभी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काया शर्मा है और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसका नाम है फोर बंगलों का राजा, और ये एक फुल टू कॉमेडी फिल्म है जिसमें अली अब्बास जी ने काम किया है, मैं की हूँ, ये किए हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है। और आज हम लोगों ने पोस्टर लॉन्चिंग किया है अपने फिल्म का, और आपको कल फिल्म यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। काया फिल्म्स एंटरटेनमेंट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो फिल्म देखने को मिलेगा। और आज बहुत खुशी का टाइम है कि इतना मेहनत किए तो रंग लाया। क्या है बेसिकली इसके अंदर, ऐसा किस तरह की स्टोरी है, कॉमेडी में भी किस तरह की स्टोरी है, क्या थीम है जो आपने उठाके शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर दिया? ये बेसिकली स्टोरी ये ऐसा है कि कुछ रियल लाइफ से भी है, और फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है उससे रिलेटेड, और कॉमेडी मतलब एक लड़का अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकना, झूठ झूठ बोलना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा कॉमेडी के ज़रिए। जो मुंबई में आके स्ट्रगल करते हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए खास करके है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छा बना है, बहुत मेहनत से बनाया हम लोगों ने, और मेरी बहुत सारी टीम है जिसमें सारे लोग जुड़ के बहुत अच्छे से मेहनत करके अच्छा फिल्म बना के। अली जी को कैसे अपने साथ में जोड़ा आपने, क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड और काफ़ी सीरियल्स अच्छा वर्क कर चुके हैं, 12 साल का एक्सपीरियंस है इनको थिएटर का, तो इनको कैसे अपने साथ में आपने जोड़ा? एक्चुअली मुझे एक रिक्वायरमेंट था, मेरे स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट था कि मुझे कॉमेडी के लिए सेम टू सेम अली जैसा आर्टिस्ट चाहिए था। तो मैं इनको पहले से जानती थी और पता नहीं कैसे कैसे हम लोगों की मुलाकात हो गई और फाइनली हम लोगों ने साथ में काम भी किया, और ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं फिल्म में। और क्या कहना चाहेंगे अली जी, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा काया शर्मा जी के साथ में काम करने का, और कितना लुत्फ उठाया, आनंद उठाया आपने इनकी शॉर्ट फिल्म में काम करके? मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं कसीम हैदर जी का, क्योंकि मैं उनका दोस्त था और आज उनकी बदौलत मैं काया शर्मा जी के प्रोडक्शन में मैंने काम किया। और मैम के साथ काम करने का लुत्फ ही अलग था, क्योंकि इनके साथ डायरेक्शन में, एक्टिंग में, जो जो इन्हीं ने मतलब कहा और जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैंने कोशिश की है, और बहुत ही अच्छा इखलाक है इनका, बहुत ही अच्छा मिजाज है इनका, और मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्यूचर में भी ऐसी डायरेक्टर और ऐसी प्रोड्यूसर मिले ताकि मेरी कामयाबी जल्द से जल्द आसान हो जाए। आने वाले टाइम में हम और देख सकते हैं कि कुछ बड़े आर्टिस्ट आपके बैनर के अंदर में काम करेंगे, कुछ ऐसी झलकियाँ देखने को मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली अभी फर्स्ट मूवी मैंने बनाया तो आप देख सकते हैं कि अली अब्बास जी ने कितना काम करने के बाद मेरे फिल्म में काम किए हैं, तो ये भी तो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं नहीं, बल्कि हम ही इनके सामने सब छोटे मोटे आर्टिस्ट हो गए, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आगे और भी हम लोग कंटिन्यू वर्क करने वाले हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी रिलीज़ होने वाला है जल्दी, आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, नादान आशिक फिल्म का नाम है, और वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा। अली जी क्या कहना चाहेंगे, किशन जी क्या कहना चाहेंगे आप काया जी के साथ में काम करके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको और कितना आनंद उठाया, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर जी, मेरा नाम किशन राय है, सबको मेरा नमस्कार। एंड काया जी के साथ ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, एंड सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा इनके साथ काम करके, काफ़ी मतलब अच्छी फिल्म बनी है एंड बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके, एंड यही चाहूँगा कि हम आगे और अच्छे अच्छे काम करते रहें और इसी तरह सफलता पाते रहें। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस आपके पहले प्रोजेक्ट से आपको? ये सब तो इतना कुछ तो सोच के नहीं रखे हैं, बस उम्मीद तो बहुत कुछ लगा के रखे हैं, और भगवान करे कि पूरा हो, वो उम्मीद पे हम लोग खड़े उतरे, और मेहनत जितना किए हैं गॉड से यही है कि
जो किए हैं, जितना टाइम दिए हैं, मेहनत किए हैं, सब लोगों ने मिलके मेहनत किया है, तो रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इसको देखें, क्या मैसेज मिलेगा दर्शक, इसको क्यों देखें? दर्शकों को से इसलिए मैं बोलूँगी देखें ये फिल्म, क्योंकि इसमें आपको ना कॉमेडी के साथ साथ एक बहुत अच्छा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको मैसेज मिलने वाला है, और एक गवार जो पढ़ा लिखा नहीं है लड़का, वो क्या क्या इस फिल्म के अंदर करता है, वो भी लड़की के चक्कर में आके क्या क्या करता है, और एक स्मार्ट लड़का है जो फिल्म इंडस्ट्री में आके स्ट्रगल कर रहा है, वो भी इतना बड़ा बेवकूफ़ बन सकता है, और एक गवार इंसान तो बेवकूफ़ ऑलरेडी होता ही है। तो ये एक कॉमेडी के ज़रिए आपको फिल्म से रिलेटेड एक मैसेज मिलेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ सबसे गुजारिश है मेरा कि सब लोग ज़रूर ज़रूर फिल्म को देखें। आपको ये फिल्म YouTube पे मिल जाएगा कल देखने को। कितने मिनट की है ये? ऑलमोस्ट 24 मिनट्स का है। थैंक यू। Thank you.